I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. I am happy. मैं बहुत खुश हूँ. Now you understand. Remember that. We use am with I. बच्चों, हम हमेशा I के साथ am use करते हैं. Also remember that. We use I when we talk about ourselves. बच्चों, हम I का उपयोग तभी करते हैं जब अपने बारे में बात करें. She is crying. वह रो रही है. He is sad. वह दुखी है. He is running. वह दौड़ रहा है. It is a toy. वह खिलौना है. We use is with he, she and it. बच्चों, हम is, he, see and it के साथ यूज करते हैं. Also remember that we use he, see and it for a single person. हम जब भी किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक चीज के बारे में बात करें तो हम he, see और it का उपयोग करते हैं. Remember that. You are my teacher. आप मेरी शिक्षिका हो. We are girls. हम लड़कियां हैं. We are friends. हम दोस्त हैं. They are going home. वे अपने घर जा रहे हैं. Remember that. We use are with you, we and they. हमेशा याद रखें, हम are का प्रयोग you, we और they के साथ हमेशा करते हैं. Also remember that. When we talk about more than one person, then we use are. जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आर का यूज करते हैं. यू के साथ भी आर लगता है. Now it's time to check your understanding. Let's start. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा है. This dash our house. क्या होगा यहाँ पे? This is our house. Very good. They dash boys. They are boys. Very nice. The flowers in the pot. क्या होगा यहाँ पे? The flowers are in the pot. I dash going to school. क्या होगा यहाँ? Yes, am. I am going to school. He dash my father. Yes, he is my father. Radha dash a good girl. Yes, Radha is a good girl. Radha एक अच्छी लड़की है. I dash said. आप जानते हो ना I के साथ क्या लगता है? Yes, I के साथ am. I am said. Children, what we learned today? We learned that am used for us, is used for single one, are used for you or more person. यानी बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा am यानी who का उपयोग हमेशा अपने साथ होता है. यानी जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो तभी हम इसका उपयोग करते हैं. जब किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो इसका, he she के साथ इसका. और जैसे ही हम किसी ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे? आर का उपयोग करेंगे. सिंगुलर के साथ इस और ज्यादा के साथ आर, और यू के साथ भी आर का प्रयोग होगा. वेल, अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको और भी हमारे वीडियोस मिल सके. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.